हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं मिर्ज़ा कफील बेकैफ़ी आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुशावती मीटिंग का इनकार किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम के सदर शेख इकरामुल हक की सदारत में बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे के खिलाफ जेहलम शहर की समाजी, सियासी, फलाही और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में दर्जनों शहरी नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की और अवामी मसाइल पर इजलास का एहतमाम करने पर मारूफ कानूनदान आरफ करीम का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने अपनी अपनी तजावीज पेश की और हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में किया गया इजाफा फिल फोर वापस लिया जाए। अगर मुतालबा पूरा ना हुआ तो शटर डाउन हड़ताल समेत एहतजाज के तमाम ऑप्शन खुले हैं, जिन पर आइंदा इजलास में अमल दरामद की मंजूरी दी जाएगी। गरीब आदमी बहुत तंग है, तो हम कहते हैं बराए मेहरबानी अकामे बाला को इस बारे में सोचना चाहिए और माशाल्लाह एक अच्छा सा लाए अमल बनाना चाहिए, जिससे अवाम भी खुश हो जाए, गरीब भी खुश हो जाए। मतलब तो है कि गरीब की झोंपड़ी में रोशनी हो। जो 200-300 रुपया 400 रुपया कमा रहा है बड़ी मुश्किल से, वो बिजली के बिल कैसे देगा और घर का खराजात कैसे बर्दाश्त करेगा और बच्चों की फीसें कैसे देगा, बहुत मुश्किल है। बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि इस बारे में सोचे। तमाम शुरका ने डिस्ट्रिक्ट बार से लेकर डिप्टी कमिश्नर जेहलम के दफ्तर तक मार्च भी किया और जिले अफसरान से मुलाकात करके आइंदा एहतजाज के हवाले से आगाह किया।